हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। सी फ्रेंड्स, आज हम लोग आपका पेपर 7 और उसका इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो सेक्शन देख रहे थे पार्ट 2 का, ठीक है, तो उसमें एक नया टॉपिक करेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। प्लीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप बहुत ही अच्छे से इसको समझेंगे। करेंट डेवलपमेंट इसके साथ जितना भी होता जाएगा उसको अलग से पढ़ते चलिए, ठीक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं, थोड़ा ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसको हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, सबसे पहले उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि ये किस तरह से बना है, कैसे आपका GATT मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये आपको सब चीज़ मैं धीरे धीरे समझाऊंगा, सारे टर्म समझ आते जाएंगे, अभी फिलहाल सुनते जाइए, ठीक है। तो हिस्ट्री देखेंगे कि गैट जो था वो आपका बना और उसके बाद वो चीज किस तरह से WTO में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, कि आपका विश्व व्यापार संगठन पे कैसे कन्वर्ट हुआ। फिर अगेन उसके बाद हम जाएंगे WTO का स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसकी ऑब्जेक्टिव को समझेंगे कि उसकी संरचना कैसी है, उसका उद्देश्य क्या है और वो किस किस क्षेत्र में कार्य करता है, मतलब आप उसके फंक्शंस को देखेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग कहां जाएंगे, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स देखेंगे WTO के अंदर जो हुए हैं, कई समझौते हुए हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये जो समझौते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उस चीज को भी बहुत अच्छे से समझेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं। देखिए, अलग अलग जब एग्रीमेंट हम लोग पढ़ेंगे, समझौते, जब कॉन्फ्रेंस होगा वहां पर बैठेंगे, वो समझौते होंगे, तो एक नए नए आयाम लाएंगे वो, अब किसको, किसके लिए, व्यापार को सुधारने के लिए, एक नए नए आपके क्या लाएंगे, चीजें लाएंगे, मैकेनिज्म्स लाएंगे कि आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर क्या हो, प्रॉपरली चले। तो उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो उसको देखेंगे वो रिलेटेड टर्म्स में कि वो क्या क्या है, ठीक है। साथ ही हम लोग क्या देखेंगे, इंडिया WTO की, भारत क्या था और भारत का क्या रोल है आपके WTO में, ठीक है। ये हम लोग ने अभी तक जितना भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है सब में देखा है इंडिया का रोल, तो यहां पर भी उस चीज को समझेंगे, ठीक है। तो प्लीज इसको आप 3-4 हेड पे तोड़कर ही पढ़ना, क्योंकि एक साथ पढ़ोगे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका, सबसे पहले आपका हिस्ट्री ऑफ WTO, WTO बना कैसे। अगेन अगर देखा जाए तो 1944 वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म होता है तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी की पूरी इकोनॉमी वर्ल्ड की क्या हो गई थी, कोलैप्स कर गई थी, ठीक है। और उसको खड़ा करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या था, काम था। तो उसके लिए क्या होता है, कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 पे, जिसको बोलते हैं ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। पहले भी मैंने IMF आपके वर्ल्ड बैंक में ये चीज़ को पढ़ाया था, तो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस वहां पर आपका IMF और आपका वर्ल्ड बैंक तो वहां पर बना। साथ ही साथ उसी मीटिंग पे जितने भी कंट्रीज थे उनके बीच हुआ था कॉन्फ्रेंस में, क्या हो रहा है, अलग अलग चीज़ों की भी बात हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पर उन लोगों ने डिस्कशंस किया और बात हुआ कि एक ऐसा वर्ल्ड वाइड एग्रीमेंट, पूरे विश्व में कितना बड़ा है, क्या कहना है, सारे कंट्रीज को मिलाकर एक ऐसा एग्रीमेंट तैयार करेंगे और उस एग्रीमेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, जितने भी विश्व में व्यापार हैं, ट्रेड हैं, उसको क्या करना है, ठीक करेंगे और उसको उस तरह से सुचारू रूप से चलाएंगे। तो आपकी क्या होगा कि हाँ, आपने IMF की बात की, आपने वर्ल्ड बैंक की बात की, पर ट्रेड को कौन देखेगा। तो ट्रेड को भी चलाने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए या एक ऐसा कम से कम एग्रीमेंट होना चाहिए जिस एग्रीमेंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे के पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को प्रॉपरली ठीक कर सकते हैं, ठीक है, विश्व व्यापार को। तो वहां पर वो एग्रीमेंट के बारे में बात हुई पूरा का पूरा। आगे चलकर 1947 में जिनेवा में एक कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है, और उस कॉन्फ्रेंस में उसी एग्रीमेंट के तर्ज पे क्या होता है, 23 मेंबर नेशन, 23 मेंबर कंट्रीज आती हैं और उसको साइन करती हैं, ठीक है, और साइन करती हैं उसको, मतलब वहां पर आते हैं, वो कॉन्फ्रेंस होता है कि हाँ वो साइन करती हैं, सब कुछ होता है। और आपका आगे चलकर 1948 में इसको लागू किया जाता है, उसी एग्रीमेंट को, जिसका नाम क्या था, गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, मतलब आपका प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी समझौता, गैट। सबसे बड़ी बात यह थी कि इसके पहले कहीं भी हम लोगों ने विश्व व्यापार के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कुछ भी चीज़ नहीं बना था। पर याद रखना, जो गैट है वो खाली क्या है, एक समझौता है, वो कोई संगठन नहीं है। तो ये संगठन का रूप कैसे बना, कैसे WTO बना गैट से, अब उसकी हिस्ट्री हम देखेंगे। तो अभी जो गैट था वो क्या था, वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, वो खाली क्या था, एक समझौता था, एक एग्रीमेंट था, और मेनली ये एग्रीमेंट क्या था। और हाँ, दूसरी बात कि ये जो एग्रीमेंट है मेनली वो क्या है, एक लीगल एग्रीमेंट है, मतलब इसको अगर कोई ब्रीच करता, कोई भी इस एग्रीमेंट को साइन करने के बाद कोई कंट्री व्यापार में कुछ भी गलत करेगा इस एग्रीमेंट के बाहर, तो उसको क्या कर सकते थे, कोर्ट में ले जा सकते थे। तीसरी बात, मेनली ये किससे संबंधित था ये एग्रीमेंट, तो ये एग्रीमेंट आपका जो भी इंटरनेशनल ट्रेड है, जो विश्व व्यापार है, उसको प्रोत्साहन करना, टू प्रमोट द इंटरनेशनल ट्रेड एंड रिड्यूस द टैरिफ, जो प्रशुल्क होते हैं, जो भी आपके टैरिफ्स होते हैं, अलग अलग टैरिफ मतलब आपका, या तो उसमें आप बोल सकते हैं टैक्सेस लगाती है कोई कंट्री किसी कंट्री के प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, तो जो भी टैक्सेस लग रहे हैं, टैक्स को
एक होता है आपका टैक्सेस वाले और एक होते हैं नॉन टैक्स टैरिफ। मतलब नॉन टैक्स में कैसा होगा, जैसे कि हो सकता है बहुत सारा लाइसेंस के लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट करें कि हाँ कोई अपने व्यापार का सामान यहाँ उतार रहा है तो उसको क्या करना है, अगर भारत के मार्केट में अंदर बेचना है तो उसको कहीं पर फीस पे करना हो, मार्केट फीस मांग लें, तो उस तरह से अलग अलग जिस तरह से व्यापार को रोकने के लिए अलग अलग क्या कहे गए थे टैरिफ्स लगाए गए थे, उनको भी क्या करना है कम करने की बात कही गई। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को लेकर आपका क्या हुआ था, गेट्स एग्रीमेंट हुआ था। और दूसरी, ये जो एग्रीमेंट था ये केवल और केवल वस्तुओं से संबंधित था, मतलब ओनली ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज की बात नहीं कही गई थी। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ये क्या था आपका गेट था, क्योंकि मेनली अगर आप 1944-45 उस समय की बात करें 1950 की तरफ, तो वहाँ पर आपका सर्विस सेक्टर में उतना ज़्यादा ट्रेड नहीं होता था, उस समय सर्विसेज का उतना ज़्यादा रोल नहीं था, आपके व्यापार का बहुत ज़्यादा रोल था, गुड्स के बहुत ज़्यादा रोल था। ठीक है, तो ये मेनली क्या था, गुड्स रिलेटेड था। और इसके बाद क्या हुआ, जब आपका गैट बन गया तो 8 राउंड ऑफ टॉक्स हुए। ठीक है, ये राउंड ऑफ टॉक्स मतलब वो क्या करते थे, पूरे के पूरे कंट्रीज मिलते थे, बैठते थे और बात करते थे कि कैसे व्यापार को धीरे धीरे ठीक करेंगे। जो सबसे पहला टॉक हुआ था उसी को हमने क्या बोला, जिनेवा 1947 वाला। उसके बाद एनसी में टॉक हुआ। ठीक है, और धीरे धीरे करते हुए इसमें क्या हुआ, लास्ट में अगर देखिए बीच के जितने भी टॉक्स हैं इसमें क्या हुआ वो डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा क्या सीधा जो 8th टॉक है, जो 8वां है, वहाँ पर आपका क्या हुआ, यूरुग्वे, मतलब आपका साउथ अमेरिकन एक कंट्री है यूरुग्वे, वहाँ पर वो चालू हुआ। और वहाँ से जो भी समझौता होगा आगे, वहाँ पर जो एग्रीमेंट पे बात हुई, उसी एग्रीमेंट से आपका जो आज प्रेजेंट में आप क्या बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो वो वहां से बनकर आया। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, यूरुग्वे राउंड्स पे क्या बात हुई और किस तरह से आपका WTO बना। ठीक है, तो देखिए मेनली क्या था, 1948 से लेकर अगर हम लोग 1990 तक की बात करें तो ये एक बहुत लंबा पीरियड है, और इस समय जो विश्व व्यापार था वो बहुत ज़्यादा बदल गया था। पहले कहीं पर वो बोल रहे थे कि नहीं ट्रेड इन गुड्स मतलब सिर्फ आप वस्तुओं के संबंधित आपका क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है, पर नहीं, वस्तुओं संबंधित व्यापार के साथ साथ सर्विस सेक्टर भी बहुत अच्छे से काम करने लगे थे, तो उस चीज़ को गैट के एग्रीमेंट में रखा नहीं गया था पहले। ठीक है, और गैट एग्रीमेंट में बहुत ऐसी चीज़ें और भी इंक्लूड नहीं थी जो कि जिस तरह से आपका क्या हो रहा है, व्यापार का नेचर बदल चुका है, ट्रेड का नेचर इतने सालों में, तो वो भी इंक्लूडेड नहीं था। फिर IPR, अगर IPR बोलते हैं क्या, आपकी बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो पहले किस तरह से था और उसके बाद हमको कैसा रिक्वायर्ड है, वो भी चीज़ों का एड्रेस नहीं कर पा रहा था कौन, आपका गेट। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर कहीं पर व्यापार संबंधित कोई विवाद हो जाए तो जो आपका गेट था, GATT जो है, तो गेट में कहीं पर भी क्या नहीं था, डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए नहीं था कि हाँ दो अगर दो अलग अलग पार्टी के बीच विवाद उत्पन्न हो तो उसको सेटलमेंट कैसे करना है, तो वो डिस्प्यूट चलते रहता था और कंट्री आपस में उसको सुलझा ही नहीं पाते थे। तो इन सारे मुद्दों को लेकर क्या हुआ, आपका यूरुग्वे टॉक्स जब चालू हुआ 1986 में, तो इन सारे चीज़ों को लेकर वहाँ पर बैठे और किस तरह से एक नया वर्ल्ड में आपको क्या करना है, इस चीज़ों को रिजॉल्व करना है, उस एग्रीमेंट से हम कैसे आगे बढ़ें और एक अपन को संगठन की ओर जाएं, कि एक अपन का पूरा एक बॉडी बना हो, एक स्ट्रक्चर बना हो जहां पर हम बैठ के बात कर सकें, सिर्फ ये ऑन पेपर एक एग्रीमेंट की तरह ना हो। तो ये यूरुग्वे टॉक्स चालू हुए 86 पे और 1993 तक, इन सालों में ये क्या हुआ, यहां पर सारे के सारे इस पे बात हुई, सब कुछ हुई और जितने भी कंट्रीज थे उन लोगों ने इस चीज़ को माना। और साथ ही साथ फिर जो नेक्स्ट ईयर आपका 1994 पे मराकेश, मोरक्को में एक सिटी है मराकेश, वहाँ पर जाकर जो नया एग्रीमेंट था उसको साइन किया गया, और एवन उसी एग्रीमेंट के अंदर 1 जनवरी 1995 को आपका क्या बनता है, विश्व व्यापार संगठन, या आप बोल सकते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मेन लिए आपका क्या है, यूरुग्वे राउंड, उसको साइन करते हैं कहाँ पे, मराकेश पे, और 1995 पे 1 जनवरी आपका बनता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पर हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन गया यहाँ पर, अपने विश्व व्यापार संगठन बन गया, तो वो आपका गेट्स खत्म हो गया। हाँ, गेट एग्रीमेंट खत्म हुआ, पर उसमें जो गेट एग्रीमेंट के क्या थे, उद्देश्य थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गुड्स के ट्रेड के लिए बात कर दिया था। ठीक है, तो वो सारे के सारे उद्देश्यों को इसमें क्या किया गया, इनकॉर्पोरेट कर लिया गया, इसमें ले लिया गया। तो वो WTO में वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो गेट के थे उनको तो ले लिया गया, और उसके साथ साथ WTO के अपने खुद के भी नए नए ऑब्जेक्टिव बने और नए नए वो उसमें अब क्या करने लगा, उसने कार्य करने लगा। ठीक है, तो गेट का जितना भी था वो सारे का सारा किस में ले लिया गया, WTO में ले लिया। ठीक है, तो होप आपको यहां तक समझ आया होगा कि WTO का फॉर्मेशन कैसे हुआ। फॉर्मेशन जो है आपका मेनली जो था, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर है उसको ठीक करने के लिए था। ठीक है, तो वहां तक आप थोड़ा सा इसको बहुत अच्छे से देख लेंगे, ये थोड़ा हिस्ट्री लाइन को पकड़ के रखना, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट आपका स्ट्रक्चर, जो संरचना कैसी है WTO की, कि आपका WTO अगर हम लोग अभी क्या है, एक संगठन है, ये किस तरह नहीं है, अब खाली एक एग्रीमेंट नहीं है पेपर में, अभी क्या है, एक संगठन है। तो संगठन में उसके अलग अलग बॉडीज होंगी जहां पर लोग बैठ के कार्य कर रहे होंगे, तो वो किस तरह से, वो स्ट्रक्चर कैसे है उसको समझते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका WTO में आता है उसको बोलते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में आपके
जितने भी अलग अलग कंट्री हैं, ठीक है, जितने भी आपके WTO के मेंबर नेशन कंट्री हैं, उसके इंटरनेशनल रिलेशन मिनिस्टर, मतलब हमारे यहाँ कौन होना चाहिए, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, पर नहीं, वो उसके में लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल रिलेशन मिनिस्टर, पर भारत में आप लोग को ये याद रखना है जो हमारा मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स और इंडस्ट्रियल मिनिस्टर जो होते हैं, जो पीयूष गोयल जी हैं, तो वो इसमें क्या है, मेंबर है, ठीक है। तो वो सारे के सारे मेंबर नेशन के लोग वहाँ जाते हैं, और दो साल में आप इनका क्या होता है, सम्मेलन होता है, जो जितने भी मंत्रिमंडल सम्मेलन है ये हर दो साल में एक बार होता है, ठीक है। तो दो सालों में सम्मेलन होगा, और उस सम्मेलन में ही सारा का सारा कंट्री जब बैठते हैं तो डिसीजन लिया जाता है कि आगे विश्व व्यापार में क्या क्या नया करना है, वर्ल्ड ट्रेड जो भी आपका है उसको किस तरह से लेके जाना है। तो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस क्या है, उसका हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है। उसके नीचे जो अगर आप देखेंगे तो क्या है आपका, जनरल काउंसिल है, ठीक है, जनरल काउंसिल। तो जनरल काउंसिल में सारे कंट्रीज जितने भी इसके मेंबर, उसके एक एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मेनली कंट्री एम्बेसडर्स भेजते हैं वो होते हैं, और ये जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं तो ये क्या करते हैं, वहाँ पर जो डे टू डे वर्क है, WTO में रोज कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, वहाँ उसका बिजनेस है, वहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है, तो जो डे टू डे वर्क है उसको देखता है कौन, वहाँ का जनरल काउंसिल देखता है। और जनरल काउंसिल में जो एक हेड होते हैं, वो हेड क्या है, वहाँ के डायरेक्टर जनरल, जो कि अभी प्रेजेंटली कौन है, ब्राज़ील के रोबर्टो एवेजेडो, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, वहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं। उसके नीचे उसका सचिवालय, जो सेक्रेटरिएट है WTO का। तो इस तरह से ये क्या है, ये क्या, वो एक बॉडी है जो पूरी की पूरी WTO को रन करती है। साथ ही साथ अगर देखेंगे साइड में आपका क्या लिखा है, बॉडीज, बॉडीज यहां पर जो बोल रहे हैं वो क्या है, अलग से WTO में कुछ आपका बॉडी बनाया गया है, जैसे कि आपका क्या है, पहला डिस्प्यूट सेटलमेंट, जितने भी विवाद होते हैं, गेट में ये चीज नहीं था, WTO में देखिए ये चीज आया कि जितने भी व्यापार संबंधित विवाद होंगे, जितने भी गुड्स से हो, चाहे सर्विसेज हो, चाहे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के रिलेटेड किसी किसी कंट्री के बीच क्या हो, डिस्प्यूट्स आ जाए, ठीक है, तो उन सारे डिस्प्यूट्स को, उन विवादों को सुलझाने के लिए अलग से एक बॉडी बनाई गई है जिसको बोलते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ठीक है। और उसके साथ साथ दूसरा बॉडी क्या है आपका, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, ठीक है। तो जितने भी आपके व्यापार अलग अलग जो नियम बनाते हैं, जो पॉलिसीज बना रहे कंट्री, उसको समीक्षा करना, उसको क्या करना, रिव्यू करने के लिए भी आपकी अलग से एक बॉडी बनाई गई है। और मेनली जितने भी ट्रेड व्यापार को विकास के लिए, व्यापार और एवं व्यापार विकास के लिए जितने भी आपके नए नए पॉलिसीज कंट्रीज बना रही हैं, उनको रिव्यू करना, ताकि पता चले कि कोई कंट्री ऐसी पॉलिसी तो नहीं फॉलो कर रही जिससे बाकी और कंट्री को हार्म हो जाए। तो WTO क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली इस तरह की पॉलिसीज को मॉनिटर करता है, उस चीज को देखता है, ताकि विश्व व्यापार गले क्या हो, बिगड़े ना। और साथ ही साथ आपका जितने भी BOP रेस्ट्रिक्शंस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके कारण जो भी अलग अलग कंट्रीज का सरप्लस है, किसी का वो है, तो वहाँ पर जितने भी रेस्ट्रिक्शन है, हो सकता है कोई कंट्री का BOP बहुत ही ज़्यादा नीचे चला गया, तो अगली कंट्री क्या कर रही है, उसको मना कर दे रही कि नहीं अभी आप पहले इसको करेंगे तभी हम आपका व्यापार को परमिट करेंगे। तो इस तरह से कोई किसी के ऊपर इम्पोज ना करे कोई रूल को अपने तरफ से डालकर, उसको भी देखने के लिए आपका क्या है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी होती है, ठीक है। तो आपका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे WTO का, तो आपको ये पूरे के पूरे चीज़ों को ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या था, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो हर दो साल में होता है, देखिए काफ़ी हो रखा है तो सारे के सारे को नहीं देखेंगे, टोटल 11-12, अभी आपके 11th जो था ब्यूनस एरिस अर्जेंटीना में हुआ था, इसका 13वां होगा, ठीक है, 12वां होगा। तो अभी जितने अभी तक हुए हैं प्रेजेंटली, उसमें से देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जहां पर से हमको क्वेश्चंस आने की प्रॉबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हुआ था, जैसे आपका WTO बना, तो नेक्स्ट ईयर होता है आपका सिंगापुर में, सिंगापुर कॉन्फ्रेंस उसको बोलते हैं, सिंगापुर सम्मेलन, ठीक है। तो ये उसका क्या है, WTO का पहला कॉन्फ्रेंस है, और मेनली यहाँ पर क्या है, चार इशूज़ को उठाया गया, क्योंकि पहली बार बना था, तो चार इशूज़ जो इसमें बात हुई थी उसमें, वो क्या था, सबसे पहले निवेश, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट, कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट से थ्रू हमको क्या करना है, ग्लोबल ट्रेड को ठीक करना है, उसके ऊपर आपने क्या किया, बात किया। सेकेंडरी उसके बाद क्या था, कंपटीशन पॉलिसी, कि अलग अलग कंट्रीज को प्रमोट करना है कि आप आइए, और एक ही प्रोडक्ट को भले कि दो कंट्री बना रहे, पर उसमें क्या होना चाहिए, एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, कंपटीशन होनी चाहिए, और कंपटीशन इज ऑलवेज हेल्दी फॉर ट्रेड। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा ट्रेड उतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा इनोवेशन होगा, और कंट्री का ग्रोथ उतना ज़्यादा होगा। तो कंपटीशन पॉलिसीज किस तरह से प्रमोट करना है, उसके लिए बात किया गया, ठीक है। साथ ही साथ आपका क्या है, जितने भी कंट्रीज दूसरे कंट्रीज क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, तो उनमें क्या करना है, पारदर्शिता लाना है, क्या करना है आपको, ट्रांसपेरेंसी इन द इम्पोर्ट। और साथ ही साथ उन लोगों ने कि किस तरह से नए नए बिजनेस फैसिलिटीज अवेलेबल कराना है अलग अलग बिजनेस कम्युनिटी को, अलग अलग कंट्रीज में किस तरह से मार्केट एक्सेस दिलाना, तो ये सारे मुद्दों को लेकर कहाँ पर बात किया गया, सिंगापुर में, जो कि इनका सबसे फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था। अगला देखते हैं, तो अगला कहाँ पे था आपका, देखिए सेकंड थर्ड फोर्थ इसमें नहीं, अब सीधा हो जो आपके क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या है आपका, दोहा कॉन्फ्रेंस।
और दोहा ही मेन था, उसके बाद से ही अगर आप देखेंगे तो WTO का आज जो प्रेजेंट चल रहा है, WTO आज जितने भी इश्यूज चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो दोहा कॉन्फ्रेंस से ये आपके क्या थे, लिंक थे। तो दोहा कॉन्फ्रेंस 2008 में हुआ था और वहाँ पर मेनली आपका जो कृषि संबंधित मुद्दे, आपके जो ट्रिप्स हैं, ठीक है, मतलब आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आपकी बौद्धिक संपदा, एंटी डंपिंग, कभी कभी क्या करती हैं कोई कंट्री जानबूझकर किसी और कंट्री में अपने प्रोडक्ट को डंप करने के लिए उसके प्राइस वैल्यू कम कर देती है, ठीक है, उनके यहाँ वो 12 रुपये में बेच रहा है और भारत में उसी को डंप करके क्या कर रहे हैं उसको 6 रुपये में बेच रहे हैं ताकि वहाँ के मार्केट को कैप्चर किया जाए। तो एंटी डंपिंग के मेजर्स कैसे लिए गए उसके बारे में बात हुई, फिर अगेन इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, तो इन सारे के सारे चीज़ों पर एक बात हुई और उसको बोला गया दोहा डेवलपमेंट, ठीक है। तो दोहा डेवलपमेंट, तो दोहा विकास का पूरा एक एग्रीमेंट बना और उसके थ्रू क्या हुआ आगे हमारा जो है WTO वो काम कर रहा था, क्लियर है। तो आपका दोहा कॉन्फ्रेंस के बाद आपका फिर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है आपका बाली कॉन्फ्रेंस, जो आपका 2012 पे हुआ। मेनली क्या था, जितने भी जो ट्रेड बैरियर्स थे, इतना व्यापार देखो WTO बार बार मेंटेन कर रहा है पर हर कंट्री कुछ ना कुछ अपना क्या बना रखी है, उनकी खुद की इंटरनल पॉलिसी होती है व्यापार के रिलेटेड, ट्रेड के रिलेटेड, तो कुछ ना कुछ वो बैरियर्स इंपोज कर रही है, बैरियर्स मतलब आपका रुकावट डाल रही है, चाहे हो सकता है वो क्या करेंगे टैक्सेस लगाएंगे बेवजह, फाइंस लगाएंगे, या हो सकता है उसके बियॉन्ड कुछ और कर रहे होंगे, ठीक, लाइसेंस फीस दो, आपको मार्केट एक्सेस नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह के जितने भी बैरियर्स थे उसको कम करना है ताकि आपका क्या हो वर्ल्ड ट्रेड बढ़े। तो उसके लिए आपका क्या हुआ बाली कॉन्फ्रेंस हुआ, और यहीं पर बाली कॉन्फ्रेंस में ही जो आप सब्सिडीज़ होते हैं, जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ दी जाती हैं, तो कौन सी कंट्री को कितनी सब्सिडीज़ देनी है, सब्सिडी को किस तरह से निवारण करना है, तो उसके रिलेटेड भी पूरा बात कहां पर होता है आपके बाली में। बाली के बाद अगर हम देखेंगे अगला इंपॉर्टेंट तो वो कहां पे था, नैरोबी में था, नैरोबी आपकी केन्या की राजधानी, 10th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वो, ठीक है। और वहां पर जो पैकेज आया, पैकेज मतलब जो वो लोग पूरे के पूरे कंट्रीज़ बैठे हैं वहां पर डिस्कशन हुआ, तो वहां से जो चीज़ निकल के आया जो डॉक्यूमेंट उसको बोला गया नैरोबी पैकेज। और नैरोबी पैकेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसके ऊपर बात किया गया, तो उसको बोलते हैं स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, SSM, ठीक है। ये सारे के सारे जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ सारे के सारे को लास्ट में आपको बोला था मैंने रिलेटेड टर्म्स करके एक टॉपिक, तो हाँ वहां पर ये सारी चीज को डिस्कस करूंगा, ठीक है, आपका SSM क्या है सब चीज, बट अभी आपको कॉन्फ्रेंस को समझते चलिए, बाद में हम लोग एक एक चीज को डिटेल करेंगे, ठीक है। वहीं पर एक और मुद्दा था, जितने भी लीस्ट डेवलपिंग कंट्री मतलब ऐसे देश जहां जो आपके सबसे पिछड़े हुए देश हैं, तो उनको किस तरह से विकास करना है, उनका किस तरह से जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको वहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको किस तरह से मार्केट एक्सेस दिलाना है उसके ऊपर बात किया गया, ठीक है। और जो आपकी खाद्य सुरक्षा पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है उसके रिलेटेड भी आपका नैरोबी में बात किया गया, और यही नैरोबी टॉक्स था। इसको आगे बढ़ाकर जब उसके बाद का एग्रीमेंट हुआ वो कहाँ पर हुआ, ब्यूनोस एरिस, ये कहाँ पर है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में हुआ। तो वहाँ पर इसमें और चीज़ को जोड़ा गया, सबसे इंपॉर्टेंट जो था फिशरीज सब्सिडी, तो मछली पालन और मछली प्रोडक्शन के लिए सब्सिडीज दी जाती थी उसको बैन करने की बात की, क्योंकि आपका जो इलीगल और अनरेगुलेटेड फिशिंग है, जो इलीगल फिशिंग था उसमें आपको सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करना है, नहीं तो क्या होता था सब्सिडी को यूज करके बहुत ज्यादा इस चीज को क्या कर रहे थे, इस पैसे का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा था, ठीक है। फिर अगेन फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस अभी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो WTO भी इसके ऊपर कंटिन्यूसली आपका क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। और ई कॉमर्स के क्षेत्र में, ई कॉमर्स क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा प्रमोट हो गया, तो ई कॉमर्स के क्षेत्र में भी जितने भी आपके किस तरह से आगे चलना है, कैसे उसके चीज़ें बननी चाहिए, तो उसके रिलेटेड भी सारी की सारी बात कहाँ पर हुई आपकी, ब्यूनोस एरिस पे हुई, ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरह से आपको समझना है कि देखो यहीं से आपको आधा कुछ क्लियर हुआ कि दोहा, तो वहाँ से एग्रीकल्चर ट्रिप्स इसके रिलेटेड बात हो रही बहुत ज़्यादा, तो यही सारे के सारे चलकर क्या हुए हैं समझौते बने हैं, और वही चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे आपका WTO एग्रीमेंट के अंदर। अभी मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू फ्रेमिंग करा रहा हूँ ताकि आपको WTO पूरा समझ आए कि किस तरह से WTO वर्क करता है, किस तरह से फंक्शन करता है और किस किस चीज़ के लिए फंक्शन करता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या समझते हैं WTO का जो अगला इंपॉर्टेंट है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा ही होगा ये, क्योंकि PSC में आप डायरेक्ट इसको क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसका उद्देश्य क्या है WTO का, किस ऑब्जेक्टिव से आपका क्या करता है WTO वर्क करता है। तो WTO के अगर पूरे ऑब्जेक्टिव को समझेंगे तो ये 6 जो दिख रहे हैं आपके यहाँ पर स्क्रीन पे वो क्या है, 6 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इनको ही एकदम आप रट लो यार, एकदम रट लो और सीधा सीधा जाकर एग्जाम में लिखाना, ठीक है। इधर उधर बात नहीं करना है घुमा के कि ये होता है वो होता है, सीधा सीधा रट के लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या है, टू सेट एंड एनफोर्स रूल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब आपका विश्व व्यापार के लिए नियम बनाना है और उस नियम का प्रॉपरली क्या हो, क्रियान्वयन हो, ठीक है। मतलब वही जो रूल्स हैं वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो ऑन ग्राउंड, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रूल बन गया और उसको कोई कंट्री फॉलो ही नहीं कर रहा है। तो WTO ना सिर्फ रूल बनाने के लिए पर उस रूल का प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन हो, ये उसका एक क्या है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। दूसरा,
एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसा फोरम देना या एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ वहाँ पर क्या कर सकें, आके नेगोशिएट कर सकें, अपनी जो भी ट्रेड प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग वो बात कर सकें, और उसी फोरम से ये क्या करेंगे, पूरे के पूरे विश्व व्यापार को मॉनिटर कर सकें। तो निरीक्षण और नियंत्रण पूरे के पूरे आपके इंटरनेशनल ट्रेड को करेगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर किसी कंट्री के बीच डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, विवाद उत्पन्न होता है, तो उस डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व कराना किसकी ऑब्जेक्टिव है, WTO के ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद आपका अगला देखेंगे तो क्या है, टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मतलब आपका जो भी डिसीजन लिया जा रहा है विश्व व्यापार के रिगार्डिंग, उसमें एक पारदर्शिता होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना डेवलप्ड कंट्री आपस में बैठ के बात कर लिए और वो क्या कर रहे हैं, सारे कंट्री पे इम्पोज कर दिए। नहीं, वो ओपन प्लेटफॉर्म में होना चाहिए जहाँ पर सारे के सारे बैठे और सबके सब अपनी बात को रख सकें, तभी जाकर क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंट आपका वर्ल्ड ट्रेड और आपका इंटरनेशनल ट्रेड बन पाएगा, ठीक है। तो आपका ये भी उसके ऑब्जेक्टिव थे। अगला जो देखेंगे तो टू कॉपरेट विद अदर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आपका वर्ल्ड बैंक है, IMF है, तो इस तरह के जो अलग संगठन है, जो अलग संस्थान है, उनके साथ मिलकर काम करना है ताकि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड आगे बढ़ सके। और टू हेल्प डेवलपिंग द नेशन टू बेनिफिट फुल्ली फ्रॉम द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। तो जितने भी आपके विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग नेशन है, देखिए एक्चुअल में क्या होगा कि अगर रूल्स सही से नहीं बनेगा तो जितने भी डेवलप्ड नेशन है जैसे अमेरिका, चाइना, तो वो क्या करेंगे, अपने तरफ पूरा का पूरा ट्रेड को ले जाएंगे और आपका डेवलपिंग नेशन बहुत पीछे छूट जाएगा। तो WTO का ये ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी विकासशील देश हैं वो प्रॉपरली इंटरनेशनल ट्रेड में अपना रोल प्ले कर सके, उससे उनको फ़ायदा हो और प्रॉपरली उनकी भी बातों को रखा जा सके और उनके हिसाब से भी आपका क्या होना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड चले। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्टिव है आपका WTO के। तो ये 6 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और सीधा रट के लिखना है, ठीक है। तो एकदम आप लिख लो वहीं पर अगर अपने कॉपी में भी, कि इसको रट के लिखना है, बेवजह के ऑब्जेक्टिव क्रिएट मत करना अपने दिमाग से एग्जाम के ऊपर, रट के ही लिखना है इसे, ठीक है। चलिए तो ऑब्जेक्टिव के बाद हम अगला क्या देखेंगे, आपका फंक्शन किस किस क्षेत्र में और किस तरह से कार्य करता है। मेनली आपको पहले ही बताएं, जो उद्देश्य में बोले रहते हैं उसी की पूर्ति के लिए वो कार्य करते हैं। तो अगर फंक्शंस को देखेंगे तो मेनली क्या है कि वही आपका जितने भी WTO के एग्रीमेंट्स हैं, अभी समझौतों के हम समझेंगे, अलग अलग एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो जितने भी WTO में एग्रीमेंट हुए हैं, जितने भी समझौते हुए, वो प्रॉपरली ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हों, प्रॉपरली उसका क्या हो सके, उसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए, पूरा का पूरा सुविधा प्रदान किया जाए, ताकि जो भी एग्रीमेंट है उसको कोई भी कंट्री या कहीं पर भी उसको डिसओबे ना किया जाए और वर्ल्ड ट्रेड बिगड़े ना। तो ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए जितने भी आपके एग्रीमेंट्स हुए हैं। दूसरी बात, जितने भी आपके अलग अलग कंट्रीज़ हैं तो वो अपनी एक ट्रेड पॉलिसी बनाते हैं, तो कोई भी कंट्री ऐसा ट्रेड पॉलिसी ना बनाए जिसके कारण वर्ल्ड ट्रेड डिस्टॉर्ट हो जाए, ठीक है, कि विश्व व्यापार में पूरा का पूरा बाधा आ जाए। तो उसको भी क्या करना है, हर एक कंट्री के पॉलिसी को मॉनिटर करता है ये, ऊपर से उसके ऊपर ये नियंत्रण रखता है, ठीक है। साथ ही अगर देखेंगे तो जितने भी मेंबर नेशन है, अगेन उसके लिए डिस्प्यूट्स को सुलझाना है, तो अलग से इसने बॉडी बना दिया है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, अभी हमने पहले देखा। तो उस बॉडी में कितने जहाँ भी विश्व व्यापार के संबंधित मुद्दे उठते हैं, लड़ाई होते हैं दो देशों के बीच, वो वहाँ पर जाते हैं, केस लड़ते हैं, वहाँ पर केस होता है, जो जीता हारा फिर वो क्लियर होता है। जैसे हम लोगों का अभी केस चल रहा था इंडिया का, किसके रिगार्डिंग, सोलर पैनल के लिए। अभी हम लोगों ने क्या चालू किया, बहुत ज़्यादा सोलर किए, ठीक है, 2015 से। तो सोलर प्रोग्राम के अंदर हमने एक चीज़ रखा था, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, ये बोला गया था कि भारत में जितने भी सोलर पैनल जो बन रहे हैं उसमें 40% अगर डोमेस्टिक कंटेंट है, मतलब भारत से यहीं से लेकर उसको बनाया गया है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले खरीदेंगे और उसको भारत में जो प्रोग्राम चल रहा है, जो स्कीम चल रहा था सोलर स्कीम, तो उसके अंदर सबसे पहले उन सोलर पैनल्स को लेकर इंप्लीमेंट करेंगे। तो USA ने इस चीज को क्या किया, केस कर दिया इंडिया के ऊपर, कि ये तो क्या है, आप एक तरफ बोलते हो कि विश्व व्यापार में हर एक को प्रॉपर क्या देना है, सबको प्रॉपर मार्केट एक्सेस देना है, जो अच्छा है उसके लिए कंपटीशन बनाए, तो अगर हम ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं कम रेट में तो हमको नहीं देकर वो डोमेस्टिक कंटेंट का एक जबरदस्ती क्लॉज इंडिया ने डाला है, ठीक है। तो ये केसेस चला दोनों के बीच और फाइनली हम इस केस को हार गए और USA इस केस को जीत गया, ठीक है। तो हमारा सोलर पैनल का ये केस एक वहाँ पर उठा हुआ था। ऑलरेडी अभी हमारा केस चल रहा है MSP के रिलेटेड, जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो MSP हम प्रोवाइड करते हैं, उसके रिलेटेड भी हम लोगों का अभी क्या चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है। और USA कंटिन्यूसली वो बोल रहा है कि नहीं, भारत का MSP पॉलिसी गलत है, ये है, पर भारत बोल रहा है नहीं, ये पॉलिसी जो है ये आपका कहीं भी सब्सिडी इसलिए नहीं दी जाती इस पॉलिसी के अंदर कि हम कहीं व्यापार करना चाहते हैं, ये हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस पॉलिसी के लिए जा रहे हैं। तो ये अभी भी क्या चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, तो ये किस तरह से रिजॉल्व होगा वो सब कुछ अभी समझेंगे, ठीक है। तो मेनली इस तरह के अगर डिस्प्यूट्स उत्पन्न होते हैं तो कहाँ जाओगे आप, तो अगेन WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में जाकर इसकी ऊपर बात होगी।
साथ ही साथ जितने भी देश हैं इसके मेंबर नेशन है उसको ये क्या करता है, तकनीकी सहायता, टेक्निकल असिस्टेंस और वहाँ पर ट्रेनिंग देता है कि आप प्रॉपरली क्या करें, ट्रेड को सीखें, ट्रेड को इंप्लीमेंट कर सकें अपने कंट्री के अंदर, ताकि आप भी इंटरनेशनल ट्रेड से सिंक्रोनाइज हो पाएँ, उसके साथ रहकर क्या कर सकते हैं, अपने आप को भी प्रमोट कर पाएँ। आगे देखते हैं तो आपका जो लास्ट पॉइंट दिख रहा है, एनहेंसिंग कॉरपोरेशन अमॉन्ग वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ग्रेटर कोहरेंस इन द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग। तो जितने भी वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं सब में जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बन रही हैं उसमें क्या करना है, एक समानता लाना, कोहरेंस लाना, सबके सब एक साथ आ सकें और प्रॉपरली वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट कर सकें, ताकि विश्व व्यापार ना बिगड़े और साथ ही साथ सबको उससे बेनिफिट मिले। तो उसके लिए भी आपका काम कौन करता है, WTO वर्क करता है। ठीक है, तो ये क्या थे मेन मुख्य आपके जो इसके पहले हमने देखा ऑब्जेक्टिव और ये आपके फंक्शंस ऑफ WTO। PSC 4 मार्क्स क्वेश्चन यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख कराना बेवजह का। अगेन मैं बोल रहा हूं कि यहां तो सिर्फ रट के ही लिखो इस चीज को, बाकी चीज़ों में ठीक है आप दिमाग लगा के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, इस चीज़ को अगर पूछता है डायरेक्ट तो आप उसको रट के ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या था WTO का कार्य। अब हम लोग चलते हैं और आगे देखते हैं आपका जो WTO के अलग अलग सिद्धांत हैं, जितने इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं WTO के, जिसके अंतर्गत वो रहकर क्या करता है, काम करता है। तो अभी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आपका WTO के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, उसके जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला आपका जो आते हैं, देखिए इसके 4-5 प्रिंसिपल्स हैं, तो प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ के जाना, वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं क्वेश्चन और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो सबसे पहला आपका क्या आता है, मोस्ट फेवर नेशन स्टेटस, MFN स्टेटस बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो जो आपके पसंदीदा राज्यों का दर्जा दिया जाता है इसके अंदर, पर इसके नाम पे अगर आप जाके लिख दिए बिना पढ़े तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप ये लिख देंगे कि हाँ ऐसे देश जिसके अलग से क्या किया जा रहा है, फ़ायदे दिए जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जस्ट अपोजिट है यहाँ पे कि किसी भी नेशन, अगर देखो इंडिया ने क्या किया है, किसी कंट्री के साथ अपना क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हमारा किसी कंट्री के साथ हमने ट्रेड एग्रीमेंट बना लिया, पर उस कंट्री को हम अलग से फ़ायदा नहीं दे सकते। हमको अगर उसको एक फ़ायदा दे रहे हैं तो बचे हुए जितने भी WTO के मेंबर हैं, क्योंकि हम उसके मेंबर हैं, तो सेम ट्रीटमेंट उनको भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो नाम बोल रहा है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन, तो उसके हिसाब से तो ये होना चाहिए कि सबको क्या होना चाहिए, मतलब एक नेशन है उसको आप क्या कर रहे हो, अलग से फेवर दे रहे हो, नहीं, आपको सारे कंट्री को क्या करना पड़ेगा, सेम ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो मेंबर नेशन कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन इट्स ट्रेड पार्टनर इफ़ अ स्पेशल स्टेटस इज ग्रांटेड टू अ ट्रेड पार्टनर। अगर किसी एक को हमने क्या किया है, स्पेशल स्टेटस दिया है, तो वो सारे के सारे जितने भी WTO के मेंबर नेशन है उन सबको हमको देना पड़ेगा। क्लियर, मेक श्योर इस चीज़ को एग्जाम पे उल्टा नहीं लिख कर आना है। ठीक है, तो आपका कोई भी यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, किसके बीच आपका वो नहीं किया जाएगा भेदभाव, प्रोडक्ट में अगर कोई दो कंट्री है तो दोनों कंट्री के प्रोडक्ट के बीच में आप क्या नहीं करोगे, भेदभाव नहीं करोगे कि हाँ इसके साथ तो मेरा ऐसा एग्रीमेंट चल रहा है तो इसको मैं ज़्यादा का ज़्यादा छोड़ दूँ, नहीं, WTO के अंदर ये चीज़ अलाउड नहीं है। क्लियर, दूसरा अगर देखेंगे तो वो क्या है, राष्ट्रीय उपचार आपका, नेशनल ट्रीटमेंट, मतलब पहले तो हम लोग करते कि दो देशों के बीच हम क्या नहीं करेंगे, आपस में कोई भी कंट्री डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर नेशनल ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो जो हमारे राष्ट्रीय उत्पाद होंगे, जो देश के अंदर जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं और जो बाहर से आ रहे हैं, जिसको हम इम्पोर्ट करके ला रहे हैं, तो वहाँ से ये ऐसी दोनों वस्तुओं को, ऐसे दोनों प्रोडक्ट को क्या नहीं कर सकते, आपस में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, दोनों को इक्वल मार्केट एक्सेस देना। अगर किसी ने आपसे अच्छा काम किया है, अच्छे प्रोडक्ट यहाँ लाए हैं, तो उसका प्रोडक्ट को यहाँ बिकने देना है, ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपने प्रोडक्ट को लेके जाएंगे। तो अभी बहुत सारा आ रहा है कंटिन्यूसली कि कोरोना चाइना ने दिया है तो उसके MI फोन को फेंक दो, ये कर दो वो कर दो, पर हम WTO के मेंबर हैं तो हम ये चीज़ को कर नहीं सकते। हाँ, एज अ नेशन, एज अ वो आपका जो मन है वो आप जा रहे हैं कर रहे हैं, पर WTO अगर एग्रीमेंट्स के थ्रू अगर उसको फॉलो करना है तो अगेन इंडिया उस चीज़ में फिर वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो हम इस तरह से रोक नहीं सकते, हमको नेशनल ट्रीटमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, तो राष्ट्रीय उपचार को देख के ही चलना पड़ेगा। एंड वो ठीक है यार, अब बाहर जाके डिस्कशंस में ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं चाइना को विद्रो करना, ये करना, लेकिन हाँ कंट्री जो है आज जो गवर्नमेंट बैठी सब, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग एक इंटरनेशनल ऑर्डर के साथ चलते हैं, तो हम ये सारी चीज़ों को कर नहीं सकते, कंट्री कभी उसको अलाउड नहीं करेगी। हाँ, नेशनलिज्म दिखाना है, आप दिखाइए, टिकटॉक में वीडियो नहीं बनाइए, जय हिंद मत बोलिए, वो सब अलग चीज़ है, पर कंट्री उसको बैन नहीं कर सकती सीधा सीधा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्या है आपका नेशनल ऑर्डर और जो आपका जो नेशनल ट्रीटमेंट है वो अलाउड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि आपका MFN था, नेशनल ट्रीटमेंट, तो इसी तरह से आपका और भी है, जैसे कि आपका क्या है, मार्केट एक्सेस, मतलब आपका जो भी बाजार पहुंच बोलते हैं जिसको, ठीक है, मार्केट एक्सेस, कि
वो अगर किसी कंट्री से कोई सामान आ रहा है, कोई उसने एक्सपोर्ट किया हमारे यहाँ, हमारे पास भेजा है, तो उसके भी सामान को ही उस तरह से मार्केट में एक्सेस प्रोवाइड करना है जैसे हमने अपने लोकल प्रोडक्ट्स को दे रखा है, ठीक है। तो मार्केट एक्सेस कभी भी इसके दोनों के बीच क्या नहीं होना चाहिए, डिफ्रेंशिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ ही साथ अगर देखेंगे तो प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ाना है, कॉम्पिटिशन, प्रमोट द कॉम्पिटिशन। तो सीधी बात है, अगला कंट्री अगर अपने एक्सपोर्ट्स डालेगा यहाँ पर, हम अपने प्रोडक्शन बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एक तरह से कंपटीशन बनेगा। और कंपटीशन हमेशा अच्छा होता है आपके ट्रेड के लिए, जितना कंपटीशन होगा उतने नए नए आप क्या करेंगे, नवाचार करेंगे, इनोवेशंस होंगे, और आपका ट्रेड उतना ही ज़्यादा अच्छा चलेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि फेयर ट्रेड, आपका एनकरेजमेंट, डेवलप एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो ये चार पांच आपके इंपॉर्टेंट क्या है, प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर, जो सिद्धांत है जिसपे आपका WTO पूरा वर्क करता है। सबसे इंपॉर्टेंट आप वो दोनों को बहुत अच्छे से करके जाएंगे, MFN और आपका NT जो नेशनल ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो ये क्या थे मेनली अभी तक जो भी हम लोग समझ रहे थे WTO का, तो ये क्या था, उसके बेसिक ओवरव्यू के जैसे था। अब हम लोग उसको थोड़ा सा डीप जाएंगे और डीपली समझेंगे कि उसके एग्रीमेंट्स कैसे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हुए हैं, और उस एग्रीमेंट के अंदर हम लोगों को या कोई भी कंट्री किस तरह से आपस में लिंक है, ठीक है। तो अगला टॉपिक आपका क्या है, WTO के एग्रीमेंट्स, जितने भी समझौते हुए हैं। देखिए तो ये मेनली आपके, वैसे तो अगर आप देखेंगे तो चार टाइप्स के होते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें क्लब कर दिया है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा सा PSC लेवल से बियॉन्ड है, UPSC में वो पूछा जाता है, PSC वहाँ तक नहीं जाएगा, ठीक है। अगर किसी को अलग से पढ़ने का मन होगा तो ठीक है, आप कमेंट बॉक्स है नीचे, वहाँ कमेंट करिए तो बता देंगे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में, उसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। बट हाँ, मैं थोड़ा कंसाइज रखना चाहता हूँ कि आप जो है PSC ओरिएंटेड पढ़ाई करें। हाँ, UPSC रिगार्डिंग अगर कोई वीडियो देख रहा है, वो भी जानना चाहता है, देन आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं जरूर उस चीज़ को आपको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, समझते हैं इसमें से। तो सबसे पहले क्या है आपका, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर समझौता। दूसरा आपका क्या है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार। और उसके बाद आपका क्या आएगा, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, ठीक है। तो पहली बार अब यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, सर्विस में जो ट्रेड होता है उसमें किस तरह से WTO कौन कौन से आयाम ले रखा है या कौन कौन से काम को किया है, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग इन सारे के सारे को समझेंगे। सबसे पहले आपका आता है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, कृषि पर समझौता। तो देखिए मेनली ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, अगर हम लोग अपना मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो 2008 दोहा कॉन्फ्रेंस, ठीक है, वहाँ पढ़ा था इसको। तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर मेनली जितने भी अभी चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं दोहा से लिंक हैं, ठीक है। तो दोहा हुआ तो वहाँ से जब एग्रीमेंट की बात हुई तो उसके अंदर आपके सबसे इंपॉर्टेंट जिस बात पे चर्चा हो रही थी वो क्या था, सब्सिडीज थे। जितने भी कंट्री सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं तो आपका जो डोमेस्टिक सब्सिडी, कंट्री अपने डोमेस्टिकली अपने फार्मर्स को सब्सिडी दे रही है, तो डोमेस्टिक सब्सिडी को कम करने की बात कही गई, ठीक है। जितने भी मेंबर नेशन है वो क्या करेंगे, अपने डोमेस्टिक सब्सिडी को कम करेंगे। फिर वही बात है कि वो किस सब्सिडी को कम करेंगे, किसको नहीं करेंगे। तो WTO ने क्या किया, जितने भी तरह के सब्सिडीज दिए जाते हैं एग्रीकल्चर में, तो कृषि में कहाँ कहाँ पे देंगे सब्सिडी, आपका बीज के लिए दिए जाते हैं, सीड्स के लिए देते हैं, इरीगेशन के लिए देते हैं, फिर उसके टूल्स के लिए देते हैं, बाद में तो उसको मार्केट में पहुँचाने के लिए, तो हर जगह एग्रीकल्चर में सब्सिडी है। तो पूरे के पूरे सब्सिडी को अच्छे से समझा गया और WTO ने कहा कि ये सारे एग्रीकल्चर सब्सिडी जो कि डोमेस्टिक सब्सिडीज थे उसको तीन बॉक्सेस में कन्वर्ट किया। बॉक्सेस मतलब कि आपका चार पांच सब्सिडीज जो हैं दिए जाते हैं उसको एक बॉक्स में डाल दिया, दूसरे को एक में डाल दिया, कि नहीं इस तरह के सब्सिडीज इस एक सेम नेचर के हैं तो ये क्या नहीं करेंगे, व्यापार को हार्म नहीं करेंगे। हाँ नहीं, ये वाले सब्सिडीज एक तरह के दिख रहे हैं, ये पक्का अगर ये दिया जाएगा तो व्यापार को क्या करेंगे, हार्म करेंगे। तो इस तरह से आपका क्या बनाया गया, पूरा का पूरा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट उसमें जब देखा गया तो तीन बॉक्सेस, और तीनों बॉक्सेस में सबसे पहला आपका क्या है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंदर उन सब्सिडियों को रखा गया जो कि आपके ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करते, मतलब आपके व्यापार पे बाधा नहीं डालते, उन सारे को ग्रीन बॉक्स में रखा गया, ठीक है। और इनमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो कंट्री चाहती है इसमें आपको सब्सिडी दे सकती है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं कि एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए कोई सब्सिडी दे रहे हैं तो नहीं, एग्रीकल्चर रिसर्च से प्रोडक्शन और उसमें अभी इफेक्ट हो नहीं रहा है तो ठीक है, तो रिसर्च के लिए। एनवायरमेंट के रिलेटेड पर्यावरण संबंधित कोई सब्सिडीज दी जा रही है, ठीक है, तो वो सारी चीजों को यहां पर रखा गया जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है उसको हम नहीं मानेंगे कि इससे क्या हो रहा है, ट्रेड हमारा डिस्टॉर्ट हो रहा है। तो इस तरह के सब्सिडीज को रखा गया, इसको बोला गया ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। दूसरा उसको बोला गया एम्बर बॉक्स, ठीक है, ये कलर है, अगर आप स्ट्रीट लाइट देखेंगे तो उसके तीन कलर होते हैं, बस वहीं से इसको भी समझ सकते हैं, सॉरी नॉट स्ट्रीट लाइट, आपका जो ट्रैफिक लाइट होता है तो वहां से ये समझ जाएगा, ठीक है। अगला आया आपका एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ठीक है, तो एम्बर बॉक्स मतलब रुकना है आपको, रेड लाइट जल गया है, ठीक है। तो आपका एम्बर बॉक्स सब्सिडीज में उस तरह के सब्सिडीज को रखा गया जो कि क्या करते थे, व्यापार को डिस्टॉर्ट करते थे, ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी ऐसा नहीं था कि ये सारे सब्सिडी को एकदम WTO बोला कि देना ही नहीं है, नहीं, ब्लैंकेट बैन नहीं है, इसके अंदर उसने क्या किया, रिडक्शन कितना करना है, कितना अलाउ करना है, उसका एक क्राइटेरिया बनाया,
और जिस लेवल तक अलाउ करेंगे, मतलब जहाँ तक आप दे सकते हो, उस लेवल को बोला गया डी मिनिमस लेवल। ठीक है, तो जितने भी वहाँ पर विकास विकसित देश थे, जो आपके डेवलप्ड कंट्री है, उनमें जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ईयरली होगा, उसका जो टोटल वैल्यू होगा, वैल्यू मतलब जब अगर जितना भी आपने प्रोडक्शन किया उसको अगर मनी वैल्यू में कन्वर्ट करते हो, तो जितना ही पैसा होगा उसका 5% आप क्या रख सकते हो, नेक्स्ट ईयर आप सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हो अपने फार्मर को फॉर डेवलप्ड कंट्री। और सेम चीज़ जो डेवलपिंग विकासशील देश थे उसके लिए कितना रखा गया, 10% रखा गया। और ये लेवल जितना तक दे सकते हैं इसको क्या बोला गया, डी मिनिमस लेवल बोला गया। ठीक है, तो ये एम्बरबॉक्स सब्सिडी ऐसा नहीं है कि ब्लैंकेट बैन है, हाँ बैन है लेकिन पूरा नहीं है, आपका डी मिनिमस लेवल तक आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा एग्जाम्पल्स बनेगा, तो अगर हमारा इंडिया का MSP है, तो MSP को अगर WTO के एंगल से देखते हैं तो वो क्या है आपका, उसको रखा जा रहा है वहां पे कि इस तरह की जो सब्सिडीज दी जाती हैं इनको क्या बोलते हैं, वो आपका एम्बर बॉक्स सब्सिडी। पर इंडियन गवर्नमेंट टाइम एंड अगेन इस चीज को बोल रही है कि नहीं, ये जो सब्सिडी हम जो दे रहे हैं MSP के लिए, ये हम कहीं भी व्यापार के लिए नहीं दे रहे हैं, ये सिर्फ भारत की खाद्य सुरक्षा को बनाए रखने के लिए, आपका फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। तो जो भी हम लोगों का PDS का जो भी हम सब्सिडी प्रोवाइड करके जो उसको प्रोक्योर करके क्या कर रहे हैं, यहीं पर अपने फूड सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए चला रहे हैं, ना कि उस जो भी वहां से राइस वगैरह ले रहे हैं इसको हम बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए ले गए। ठीक है, तो ये आपका विवाद अभी भी चल रहा है, पर हाँ अगर आता है तो आपको एग्जाम्पल में आप MSP को आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं। तीसरा आपका क्या है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ठीक है, तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी को क्या बोला जाता है, खैर ये देखो अब रेलेवेंट नहीं है, पहले रेलेवेंट था लेकिन ठीक है फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एम्बर बॉक्स सब्सिडी ये ऐसे है, इनको ये बोला जाता है एम्बर बॉक्स सब्सिडी विद कंडीशन, की कंडीशन के साथ ये एम्बर बॉक्स है, और वो कंडीशन ये होगा कि जब इस सब्सिडी को देंगे तो क्या होना चाहिए, ट्रेड ठीक होना चाहिए और आपका डिस्टॉर्शन कम होना चाहिए। पर एम्बर बॉक्स से हमने क्या पढ़ा कि वो डिस्टॉर्ट करते हैं, पर नहीं, कभी कभी जरूरत ऐसी पड़ सकती है कि सब्सिडी आपको लगाना ही पड़ेगा, अगर कोई कहीं पर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, सप्लाई गिर गया है। ठीक है, तो अब आपको सब्सिडी देना ही पड़ेगा ताकि आप क्या हो सके, सप्लाई बढ़े, तो उस समय अगर अर्जेंसी में रिक्वायर्ड है तो आप इस तरह के देते हैं ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ठीक है, और मोस्टली इसको जो दिया गया था उसको बोलते हैं प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम। प्रोडक्शन लिमिटिंग प्रोग्राम के अंदर आपका क्या दिया गया था, ब्लू बॉक्स सब्सिडी। तो ये क्या थे, WTO के एग्रीकल्चर एग्रीमेंट में सबसे पहला जो चेंजेस जो उसके अंदर बात हुई वो क्या हुई थी, डोमेस्टिक सब्सिडी के बारे में। ठीक है, कि डोमेस्टिक सब्सिडी को किस तरह से कम करना है, कौन से वाले को कम करना है, किसको नहीं करना है, तो उसके अंदर तीन बॉक्स और आपके ये सारे थे। अगला ये था कि एक्सपोर्ट सब्सिडी, ये तो था डोमेस्टिक, अब एक्सपोर्ट सब्सिडी, अगर कंट्री एक कंट्री अपने ही सामान को दूसरे कंट्री में भेज रही है तो क्या उसके लिए वो एक्सपोर्ट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, अगर वो कर रही है तो उसको क्या करना है, कम करना है। ठीक है, तो क्यों करना है कम, देख समझते हैं। अगर मान लेते हैं इंडिया का अगर किसान है, उसने आपका क्या कर रहा है, सब्सिडी से विदाउट सब्सिडी एक इंडिया का किसान ने बनाया, अपना चावल उगाया और वो 100 रुपये पर किलो जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली आपका एक बांग्लादेश के किसान ने भी बिना सब्सिडी के उस चीज़ को उगाया और वो उसका भी कितना बन रहा है, उसका भी मान लेते हैं अपन 110 रुपये पर केजी बन रहा है। पर एक्सपोर्ट के टाइम पर गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, सब्सिडी प्रोवाइड कर दिया इंडिया वाले को और बांग्लादेशी ने नहीं किया, तो कहीं ना कहीं इंडिया वाले का रेट क्या होगा, धीरे कम आ जाएगा और वही बांग्लादेश में पहुंचेगा या बांग्लादेश का इंडिया में पहुंचेगा, तो भी दोनों की मार्केट वैल्यू अलग होगी और इंडिया वाला ही क्या होगा, कम प्राइस में दिखेगा। तो कहीं ना कहीं उस सब्सिडी के कारण जो बांग्लादेशी ने ज्यादा अच्छा काम किया था अगर उस पर्टिकुलर राइस के लिए, तो वो क्या होगा, उसका यहां पर वीक हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी सब्सिडी जो ट्रेड को खराब करे उसको यहां पर देने के लिए अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, और या क्या बोला गया, उसको आपको कम करना ही पड़ेगा। थर्ड, अगर इसी में देखते हैं एग्रीकल्चर में, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में, तो ये बोल रहे हैं कि आपका जितने भी कृषि उत्पाद हैं जितने भी, तो उन सबको क्या देना है, प्रॉपर मार्केट एक्सेस देने की बात करेंगे। उसको बोलते हैं AMA, एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस। तो एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, तो मार्केट एक्सेस मतलब आपका किस तरह से वहां पर जाकर वो आपका सब जो भी इंपोर्ट करके वहां से सामान आया है बाहर से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, वो किस तरह से उस पर्टिकुलर कंट्री में जहां पर गया है वहां बिकेगा। तो उसके लिए जहां आया है, सपोज करते हैं इंडिया में आया कहीं बाहर से, तो जो हमारी कंट्री है वो क्या करेगी, अब सबसे पहले टैरिफ बैरियर, जितने भी अगर बाहर से आए उत्पाद पे हम अगर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बार बार टैक्सेस लगा रहे हैं, कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह होते हैं, तो अगर हम टैक्स लगा रहे हैं तो उस टैक्स को कम करो। हो सकता है कि उनको मार्केट तक उनके सप्लाई को पहुँचने से पहले लाइसेंस फीस हो, फाइन लगा दिया या कुछ भी इस तरह से, तो वो सारी चीज़ों को कम करना है। ठीक है, दूसरी बात जो नॉन टैरिफ बैरियर्स जैसे कि आपका फाइन वगैरह, तो इसको भी कम करना है। इससे क्या था, और ये सबसे बड़ा दिक्कत है कि जो भी प्रोडक्शन का सामान यहाँ पर आ रहा है, तो हमारे यहाँ पहले क्या था, बहुत सारे रेगुलेशंस थे,
कि शिप से जब आया तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कस्टम ड्यूटी, फिर आगे बढ़ा तो लाइसेंस फीस, फिर स्टेट के अंदर आया तो स्टेट का फीस, वो मार्केट में पहुंचे तो बाजार फीस। तो इस तरह से करते करते जो प्रोडक्ट का वैल्यू कुछ और था वो कहीं और ही चले जाता था। तो बाकी कंट्री को यही था कि हमको प्रॉपर मार्केट एक्सेस नहीं है क्योंकि हमको इतना सारा पैसे और ये सारी चीज़ प्रमोट करने में। इसलिए इंडिया का कहीं ना कहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग बहुत ही नीचे था। ठीक है, धीरे धीरे इसको ठीक किया गया, एक सिंगल लाइसेंसिंग प्लेटफॉर्म लाया गया और अब देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक से ऊपर चढ़ रहे हैं। ये सिर्फ एग्रीकल्चर रिलेटेड नहीं, ये सेम चीज आपका अगर देखेंगे जो प्रोडक्ट होते हैं, जो इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होते हैं उसके लिए भी था। ठीक है, तो उसको भी ठीक किया गया, आगे हम लोग देखेंगे इस चीज को। ठीक है, अच्छा तो ये क्या था आपका पूरा का पूरा कृषि संबंधित क्या क्या मुद्दे थे और उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट के अंदर काम हुए। अगला समझते हैं, अगला आपका क्या है, बौद्धिक संपदा से संबंधित जो जितने भी समझौते हुए, मतलब आपका इंटेलेक्चुअल ट्रेड प्रॉपर्टी राइट रिलेटेड एग्रीमेंट्स जो हैं। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं आईपीआर क्या होता है। आईपीआर ऑलरेडी पहले एक क्लास में डिस्कस किया है, फिर से बताते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है, एक ओरिजिनल पीस ऑफ वर्क, मतलब ऐसा चीज जिसने जिसे किसी ने खुद बनाया है और ये उससे पहले बना ही नहीं था। ठीक है, तो हो सकता है वो कोई नया प्रोडक्ट बनाया हो सकता है उसने कोई नए गाने बनाए हो। तो इस तरह के जो इनोवेशंस हैं, जो एक नया चीज किया किसी ने, उसको प्रोटेक्शन होने, नहीं तो क्या होगा, अगर उसको कोई चोरी कर लेगा, उसको कोई उसका अधिकारी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आपका नवाचार रुक जाएगा, इनोवेशन रुक जाएगा, इस तरह के कोई प्रमोशन में आएगा ही नहीं आपका इंटेलेक्चुअल काम करने के लिए। तो उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, उस व्यापार को कैसे आगे चलाना है और उसके प्रोडक्ट का उसको सही वैल्यू मिले, इसके लिए आपका क्या हुआ, ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ। ठीक है, और ट्रिप्स एग्रीमेंट को अगर देखा जाए तो ट्रिप्स ऐसा नहीं था कि ये आया तो सिर्फ यहीं से स्टार्ट हुआ, नहीं, आपके ट्रिप्स आने से पहले, ये एग्रीमेंट होने से पहले, इवन जो गैट था आपका जर्नल एग्रीमेंट, ठीक है, जो सबसे पहला था WTO बनने से, वहां पर भी इसके लिए आपका प्रोटेक्शन दिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि होते कौन कौन से हैं। तो आपका पेटेंट, पेटेंट मतलब आपका जो भी नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसके लिए आप क्या करते हैं, पेटेंट लेते हैं। और पेटेंट दो तरीके से होते हैं, ठीक है, आपका एक होता है प्रोडक्ट पेटेंट और एक होता है प्रोसेस पेटेंट। प्रोडक्ट पेटेंट मतलब कोई भी अगर वस्तु आपने बनाया है नया, जैसे आपका सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना, आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में काम है, एक नई गोली बनी, तो जो नई गोली बनी वो क्या है, आपका एक प्रोडक्ट है। तो उस पर्टिकुलर गोली को किसी भी कंपनी ने क्या किया, पेटेंट करा लिया कि नहीं हम ही बनाएंगे इस ड्रग्स को और कोई नहीं बनाएगा। तो फिर क्या होता था कि हाँ, एक कंट्री ने करा लिया कि हाँ ये ड्रग्स हम ही बनाएंगे। तो इंडिया में आया तो इंडिया में क्या किया, तुलसी में थोड़ा सा पीस के मिला दिया गोली में, तो क्या हुआ, उसका कंपोजिशन बदल गया, तो प्रोडक्ट बदल गया। अब प्रोडक्ट बदल गया, बोल दिया नहीं हमने तो तुलसी मिला दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट वो नहीं है, प्रोडक्ट तो बदल गया, देन आप क्लेम नहीं कर सकते कि वो आपका ओरिजिनल प्रोडक्ट था। ठीक है, और पूरा का पूरा जेनरिक अगर मेडिसिन देखेंगे तो ऐसे ही वर्क किया, जेनरिक पूरा का पूरा अगर देखेंगे तो यहीं से एक मार्केट क्रिएट हो गया। तो एक तो होता है आपका प्रोडक्ट पेटेंट, तो बाद में क्या किया गया, उसको प्रोसेस पेटेंट की ओर हम आगे बढ़े। और प्रोसेस पेटेंट में क्या होता है, प्रोसेस पेटेंट में अगर देखेंगे तो आपका जितने भी, अगर एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो किया गया है, हो सकता है कोई डिस्टिलेशन कर रहा है, कोई फिल्ट्रेशन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, देन उसका प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप पूरे के पूरे प्रोसेस को पेटेंट कराएंगे कि हाँ जिस प्रोसेस से हमने बनाया आप नहीं बनाओगे, इससे आप प्रोडक्ट बना लो लेकिन आप इस प्रोसेस से नहीं बनाओगे। तो दो तरीके से आपका क्या होता है, पेटेंट होता है, एक को बोलते हैं प्रोडक्ट पेटेंट, एक को बोलते हैं प्रोसेस पेटेंट। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आईपीआर में आगे देखेंगे तो आपका क्या होता है, कॉपीराइट। कॉपीराइट तो वही है कि कोई आपका जितने भी कला का क्षेत्र है, साहित्य का क्षेत्र है, ठीक है, तो ये सारे के सारे के लिए हमको क्या मिलता है, कॉपीराइट मिलता है। मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी क्या है, कॉपीराइट कंटेंट है। ठीक है, अगर मेरे कंटेंट को कोई यहाँ से निकालता है, जैसे बहुत होते हैं, खैर जिसको निकालना है वो, मैं तो कुछ नहीं बोलना, निकाल सकते हैं, बट हाँ अगर यहाँ से कोई कंटेंट निकालते हैं, ठीक है, अगर यहाँ से कोई कंटेंट निकालते हैं तो मैं कॉपीराइट क्लेम उसके ऊपर कर सकता हूँ, या कोई भी इंसान हो सकता है जिसने ऑलरेडी बनाया हो तो वो उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम कर सकता है, अगर उसने उस चीज़ को कॉपीराइटेड करा रखा है तो, ताकि उसका जो ओरिजिनल क्रिएशन है, जो उसकी मेहनत है, उसका कोई फालतू उपयोग ना करे। ठीक है, तो खैर हमारा फील्ड अच्छा है तो यहाँ पर समझदार लोग होते हैं तो कॉपीराइट ज़्यादा क्लेम नहीं बनता क्योंकि सब बुद्धिमान है। ठीक है, तो आपका क्या होता है, इस तरह से आपको क्या मिलता है, कॉपीराइट मिलता है। अगला अगर देखेंगे तो आपका क्या है, ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स मतलब जैसे कि आप एडिडास देख लीजिए, या रिबॉक देख लीजिए, या एप्पल ही देख लो, तो एप्पल का जो प्रोडक्ट्स है उसमें आप सिर्फ एप्पल का जो साइन है उसको देख के समझ जाते हैं कि नहीं ये एप्पल का फ़ोन है, ये एप्पल का लैपटॉप है। एडिडास का भी वो साइन होता है आप जानते हैं। ठीक है, अब लोग एबिबास का लिख के तो चला रहे हैं पर वो लोगों को यूज़ नहीं कर सकते, तो पर्टिकुलर जो वो लोगो है उस, वो क्या है, उस कंपनी का एक ट्रेडमार्क है, और उस ट्रेडमार्क को कोई और कंपनी ले सकता, वही कंपनी उसके अंदर क्या करेगी, प्रोडक्ट बेचेगी। इसी तरह से और भी पेटेंट्स में आपके इंडस्ट्रियल डिज़ाइन आते हैं, ऐसा डिज़ाइन जो किसी इंडस्ट्री ने बनाया है वो यूनिक है तो उसको वो क्या करा सकता है, उसके लिए वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन राइट्स लेगा। और जब ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ, जब ये समझौता हुआ, तो उसके बाद जो नए आए उसमें क्या है आपका, जीआई, ज्योग्राफिकल
इंडिकेशन, ठीक है। तो जीआई में क्या है कि ऐसी चीज़ें जो वहाँ की ज्योग्राफी से, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है इसलिए वो पर्टिकुलर चीज़ वही मिलता है, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे छत्तीसगढ़ में माना गया क्या आपका जीरा फुल राइस, तो जीरा फुल राइस को क्या बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ का एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, ठीक है। रसगुल्ला को देख लो तो किसको मिला, ये चीज़ मिला आपका उड़ीसा को, ना कि आपके कोलकाता को। तो इस तरह से क्या चलता है आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इसके साथ साथ आगे देखेंगे तो आपका ट्रेड सीक्रेट है और लेआउट डिज़ाइन फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, जितने भी इंटीग्रेटेड सर्किट है उसकी जो लेआउट डिज़ाइन बनती है उसके लिए भी आप क्या करते हैं आईपीआर ले सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे ये क्या था इंपॉर्टेंट, जितने भी डब्ल्यूटीओ के अंदर ट्रिप्स के अंदर जितने भी आपको अधिकार दिए गए हैं बौद्धिक संपदा के लिए, ये उन पर चर्चा था, ठीक है। अगला देखते हैं, जब हम लोग सर्विस की बात करेंगे तो सर्विस ट्रेड जब से चालू हुआ, जब उसके बारे में बात हुई तो वहाँ जो समझौता हुआ उसको बोलते हैं जीएटीएस गेट्स, यानी कि जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज। और जो सर्विस समझौता है, जो एग्रीमेंट ऑन सर्विस है, इसके अंदर डब्ल्यूटीओ ने चार मोड्स के बारे में बात की कि जो भी सर्विस कोई कंट्री या कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह दे रहा है उसको चार चीज़ों में क्लासिफाई किया, और ये बोला कि ये जितने भी मोड्स हैं सर्विसेज के उन मोड्स में आपको क्या करना है, प्रॉपर मार्केट एक्सेस देना है पहली बात, और दूसरा आपका नेशनल ट्रीटमेंट क्लॉज होना चाहिए कि किसी भी कंट्री के सर्विसेज को आप क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो चीज़ को ध्यान रखेंगे। और वो जो चार मोड की बात कर रहे हैं तो वो ये देखिए आपके सामने है, मोड 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, सीमा पार आपूर्ति। इसमें मतलब ये है कि अगर एक बंदा अपनी सर्विस देना चाहता है, जैसे हम लोग यहाँ से पढ़ा रहे हैं, तो अगर हमको अपनी सर्विस देना है तो हमारे को जरूरत नहीं है कि हमारा क्या हो फिजिकल प्रेजेंस हो, कि जरूरी तो नहीं है कि मैं वहाँ पर अगले जहाँ पढ़ाना है वहाँ खड़ा हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। और मेरा एक कमर्शियल प्रेजेंस भी जरूरी नहीं कि नहीं मेरा एक इंस्टीट्यूट का वहाँ पर एक ऑफिस है तभी मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ। हाँ, ऑनलाइन जा रहे हैं, जो इस तरह के सर्विसेज जिसमें कमर्शियल प्रेजेंस भी नहीं चाहिए और फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं चाहिए, जैसे कि बीपीओ सर्विस होते हैं, खाली फ़ोन पे काम चल रहा है, तो इन तरह की सर्विसेज को रखा गया मोड 1 पे, ठीक है। मोड 2 में अगर देखा जाएंगे तो उसको बोलते हैं कंज्यूम अब्रॉड, ठीक है। तो कंज्यूम अब्रॉड में क्या है, ऐसे सर्विसेज को रखा गया है, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेड कंट्री, द कंट्री ऑफ द सिटीजन ऑफ आपका इम्पोर्टेड कंट्री, जो आपका ऐसा सपोज करते हैं जैसे टूरिज्म है, ठीक है। अब टूरिज्म की अगर बात करते हैं, अगर मेरे इंडिया में अमेरिका से एक आदमी क्या आया घूमने के लिए आया, पर उसको क्या है, अब यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, हम लोग जो इंडियंस हैं इंडियंस को क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्विस क्या है कि हम अब उनको होटल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको यहाँ पर घूमने के लिए सारे के सारे सर्विस दे रहे हैं, पर सर्विस के लिए क्या हमें उनके पास अमेरिका जाना पड़ा, नहीं, वो यहाँ पर आए और यहाँ से सर्विस क्यों लेकर गए, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी सर्विसेज आती हैं उसको किस में रखा गया, 2 में रखा गया, और मेनली आपका जैसे आपका क्या है टूरिज्म है। सपोज करते हैं अगर जैसे कि एक बंदा है वो क्या कर रहा है, क्रिकेट मैच देखने आ रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है इंडिया में, अब वो एक इंसान आया है श्रीलंका का, इंडिया श्रीलंका का मैच चल रहा है, अब वो इंडिया में बैठ के मैच देख रहा है, तो सर्विस वो कहाँ कंज्यूम कर रहा है, वो इंडिया में कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह की जितने भी सर्विसेज हैं जिसके लिए जिसको सर्विस लेना है वो आदमी खुद जा रहा है जिस कंट्री में सर्विस मिलती है, तो उसको बोलते हैं कंज्यूम अब्रॉड। जो मोड 3 है वो क्या है आपका कमर्शियल प्रेजेंस, कमर्शियल प्रेजेंस मतलब प्रॉपरली वहाँ पर उस कंट्री जो भी बिजनेस है उसका वहाँ पर एक ऑफिस होना चाहिए, ऑफिस होगा और जहाँ से लोग आकर सर्विसेज लेंगे, जैसे कि बैंकिंग, तो बैंकिंग में मोस्टली ये है कि आपका वहाँ पर एक हेड ऑफिस होगा तभी वहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं बैंकिंग सुविधाओं को ले सकते हैं। और चौथे मोड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को रखा गया नेचुरल मूवमेंट, मतलब ऐसे लोग जो वहाँ पर जाए बिना कमर्शियल प्रेजेंस, यहाँ पर क्या है फिजिकल प्रेजेंस, एक आदमी को अगर सर्विस देना है तो उसको खुद वहाँ पर जाना पड़ेगा तभी वो सर्विस वहाँ पर वो दे पाएगा। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर यहाँ बैठे टेलीमेडिसिन कर लेगा, लेकिन अगर किसी को ऑपरेशन करना है तो यहाँ बैठे बैठे ऑपरेशन नहीं करेगा, उसको वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। एक इंजीनियर है, अगर उसको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसको वहाँ पर जाके ही वो बना सकता है, ठीक है। तो जितने भी स्किल प्रोफेशनल्स हैं उनको रखा गया आपका कहाँ पे, मोड 4 पे। और इन चारों मोड्स पे जितने भी तरह के सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं वहाँ पर प्रॉपर मार्केट एक्सेस मिले, वहाँ पर प्रॉपर नेशनल ट्रीटमेंट मिले, इन सारे चीज के रिगार्डिंग जो आपका क्या हुआ एग्रीमेंट, उसको क्या बोलते हैं गेट्स एग्रीमेंट, GATS एग्रीमेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपके इन एग्रीमेंट से बाहर आते हैं। तो हमने ऑलरेडी बात किया एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस की, ठीक है, कि आपके जो कृषि उत्पाद हैं उसको किस तरह से मार्केट एक्सेस देना है। उसी तरह से अगर देखेंगे तो जो क्या है गैर कृषि उत्पाद हैं, नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो उनके लिए जो समझौते में बात हुआ है उसको क्या बोलते हैं नामा एग्रीमेंट, NAMA, ठीक है। तो मेन ये भी आपका कहाँ से चालू हुआ था, दोहा डिक्लेरेशन 2008 पे, ठीक है। तो ये जितने भी नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, जो भी गैर कृषि उत्पाद हैं, जैसे कि आपके इंडस्ट्रियल गुड हैं, ठीक है, जैसे कि आपके मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं, तो इन सारे को भी प्रॉपरली क्या मिलना चाहिए आपका मार्केट एक्सेस मिले, इनके साथ भी नेशनल ट्रीटमेंट हो, तो उसके लिए हमने क्या किया नामा किया, ठीक है। और नामा मेनली क्या बोल रहा है कि आपका
जितने भी टैरिफ्स हैं, जितने भी आपने टैक्सेस और ये सारे लगाए हैं, उसको आपको कम करना है। और दूसरी बात, आपका नेशनल ट्रीटमेंट तो देना ही देना, साथ में ये क्या बोल रहा है कि स्पेशल ट्रीटमेंट की बात कर रहा है। स्पेशल ट्रीटमेंट किन, स्पेशली आपको उन देशों को देना है जो कि क्या है, लीस्ट डेवलप, मतलब जो सबसे पिछड़े हुए देश हैं, उनको उनके जो उत्पाद हैं उनको आप क्या करना है, प्रमोशन के लिए उनको स्पेशली ट्रीट कर सकते हो कि सबके सामान नहीं, उनको स्पेशल एक और आप क्या सकते हैं ट्रीटमेंट की हानि, आप लाओ आपका सामान तो हम यहाँ पर बेचेंगे ही बेचेंगे, ठीक है। तो आपका ये क्या है, नामा एग्रीमेंट। और आपका बाद में क्या आया, ब्यूनस एरिस से मैंने बात किया था, आपका स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म SSM। तो ये क्या है, अगर किसी कंट्री में इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, इंपोर्ट सर्ज हो रहा है, कोई कंट्री जानबूझ के इंपोर्ट क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है अपनी जगह अपनी चीज़ों को, इस कंट्री में डाले जा रहा है, तो जो डेवलपिंग, और ये सिर्फ याद रखना विकासशील देशों के लिए, तो विकासशील देश टेम्परेली अगर उनके कंट्री में बहुत ज़्यादा कोई और कंट्री से क्या हो रहा है, इंपोर्ट किया जा रहा है, कोई और कंट्री क्या कर रहा है, इस कंट्री में बार बार अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहा है, डंप कर रहा है, तो अगर कि इस कंट्री में क्या होगा, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए क्या कर सकता है, टेम्परेली, परमानेंट नहीं, टेम्परेली क्या कर सकता है, टैरिफ इंक्रीज कर देगा, जिसको बोलते हैं स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट, WTO का फंक्शनिंग, ये सारा का सारा चीज़ मैंने आपके यहाँ पर कवर कर दिया। अब एक टॉपिक आपका और रहता है लास्ट, वो क्या है, भारत और WTO, इंडिया एंड WTO। ये जितने भी एग्रीमेंट्स हैं सब में इंडिया का क्या रोल था, इंडिया कहाँ पे था, वो सारे चीज़ को डिस्कस करेंगे, और इतने से आपका हो जाएगा। अगर आपको 15 मार्क्स से भी क्वेश्चन आते हैं, अगर आप इतना लिखेंगे तो इससे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। समझते हैं इंडिया एंड WTO तो क्या, किस तरह से हमारा रिलेशन रहा है। तो सबसे पहली बात, तो फाउंडिंग मेंबर इंडिया हमेशा से WTO का, मतलब ऑलरेडी ब्रेटन वुड्स से ही हम लोग थे, तो इंडिया फाउंडिंग मेंबर है WTO का, ठीक है। और अगर WTO ग्रुप के अंदर समझेंगे तो भारत जो है विकासशील देश, मतलब डेवलपिंग नेशन रिप्रेजेंट करता है, ना कि डेवलप्ड नेशन के लिए। हम कितना ही बोलते हैं डेवलप्ड हो रहे हैं, नहीं, अभी भी हम क्या हैं, डेवलपिंग नेशन है WTO के लैंग्वेज में देखा जाए, और वैसे भी हैं, ठीक है। दूसरी बात, WTO का मेंबर होने के कारण भारत अगर किसी एक कंट्री को MFN स्टेटस देता है तो क्या करना पड़ेगा, बाकियों को भी देना पड़ेगा। तो हाँ, इंडिया WTO का मेंबर है, इसलिए मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है उसने सबको दे रखा है। और लास्ट ईयर जब आपका ये पूरा का पूरा उरी वाला स्ट्राइक हुआ, उसके बाद फिर बालाकोट वगैरह के बाद जितना भी पाकिस्तान के साथ हम लोग का रिलेशन बिगड़ा, तो हमने क्या किया, पाकिस्तान से MFN स्टेटस वापस ले लिया। तो ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, MFN डायरेक्ट आपसे पूछ ले, क्योंकि ये करंट में भी रहा है, ठीक है। तीसरी बात, अगर अलग अलग एग्रीमेंट्स के हिसाब से देखें तो देखते हैं कि भारत का रोल वहाँ पर क्या रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्रीकल्चर, जो कृषि संबंधित एग्रीमेंट हुआ, तो उसके अंदर क्या था, सबसे पहली बात बोला गया कि आपको अपना एक्सपोर्ट सब्सिडी कम करना है, ठीक है। तो हाँ, भारत ने एक्सपोर्ट सब्सिडी कम किया, और भारत जो भी अपना जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है वो क्या करता है, 10% जो उसको क्या मिला है, डी मिनिमस लेवल के अंदर अधिकार मिल रखा है, उसके अंदर रहकर ही अपना सब्सिडी प्रोवाइड करता है, ठीक है। पर अगेन, अगर इसके एग्रीकल्चर संबंधित इशू में, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या है हमारा MSP वाला, और जिसमें हम क्या बोल रहे हैं कि हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, और वहां पर USA क्या बोल रहा है, नहीं, ये क्या करता है, ट्रेड को डिस्टॉर्ट करता है, ठीक है। तो आपका ये इशू है अभी भी, और ये रिजॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी ये डिस्प्यूट्स चल रहा है, ये खत्म नहीं हुआ है। दूसरा, अगर हम ट्रिप्स के देखें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए, तो हाँ, भारत ने आपका क्या किया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को माना है, और भारत मोस्टली अगर पेटेंट की बात करें तो WTO के अंदर में है, फिर भी भारत अभी भी क्या कर रहा है, प्रोडक्ट पेटेंट की बात करता है, ना कि प्रोसेस पेटेंट की, क्योंकि अगेन मैंने बताया, प्रोडक्ट पेटेंट से हम इजिली जेनरिक मेडिसिन बना सकते हैं, और इंडिया इसीलिए फार्मास्यूटिकल्स का हब है। आज अगर देखेंगे तो भारत आपका जैसे भी दवाइयों की कमी पड़ी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की, तो इंडिया से सब मंगा रहे हैं। तो इंडिया का 20% फार्मास्यूटिकल्स ऑफ द वर्ल्ड इंडिया से प्रोडक्शन होता है, इसलिए इंडिया का आपका फार्मास्यूटिकल्स बहुत आ गया, और हम क्या फॉलो करते हैं, आपका प्रोडक्ट पेटेंट, ना सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स में, फूड प्रोडक्ट्स सारे के सारे में, ठीक है। अगला देखेंगे तो आपका क्या है, गेट्स एग्रीमेंट, जो आपका ट्रेड इन सर्विसेज एग्रीमेंट है, उसके अंदर भारत ने क्या क्या कार्य किए हैं आपके WTO में अंदर रखे। तो सबसे पहली बात, तो ये जो आया था सर्विस एग्रीमेंट, इसको लाने के पीछे भी भारत कहाँ था, इंडिया बार बार इस चीज़ के लिए आगे बढ़ा था कि आपका सर्विस एग्रीमेंट एक होना चाहिए, क्योंकि इंडिया क्या है, आपका सर्विस हब है। अगर हम देखेंगे आज हमारा IT, हमारा BPO तो ये वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है, तो उसको प्रमोट करने के लिए, वहां पर हमको प्रोडक्शन मिले, एक अच्छा वो मिले, तो इंडिया ने आपका गेट्स में तो सबसे आगे आकर कार्य किया था। और अगर अभी स्टैंडिंग इश्यूज देखते हैं, तो एक अगेन आपका सोलर पैनल, जो ऑलरेडी मैंने बताया था, जो रिजॉल्व हो गया ऑलरेडी, आपका USA से हम उस केस को हार गए थे, और दूसरा आपका
एमएसपी का केस चल रहा है, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे एंगल्स कवर हैं आपके WTO के रिगार्डिंग, कि कैसे बना, क्या ऑब्जेक्टिव है, कैसे वो कार्य कर रहा है। एक टॉपिक आपका था इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, वो आपका अगेन PSC लेवल पे नहीं पूछेगा, आपका UPSC रिगार्डिंग है। अगर कोई UPSC वाला इस लेक्चर को देख रहा है, वो समझना चाहता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस चीज़ को प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करके दूंगा, ठीक है। WTO के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिए, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन दिए हैं उसको बहुत कम लोगों ने लिखा, तो अगर आप लोग लिखना नहीं चाहते तो अगेन आई विल नॉट फोर्स यू टू राइट द आंसर्स, ठीक है। पर हाँ, जो लिखना चाहते हैं तो उनके लिए मैं क्वेश्चन यहीं से बोल दे रहा हूँ, यहाँ पर हम लिख के नहीं दे रहे हैं। अब देखना है कि कौन कितने अच्छे से वीडियो को देखता है या सिर्फ इसको स्किप करते हैं आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके लिए है वो है WTO और GATT, जो गैट था सबसे पहले बना था जिससे WTO, तो WTO और गैट में क्या डिफरेंस है, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन WTO एंड गैट्स। दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडिया इन WTO, भारत के रोल्स को बताइए WTO में क्या है?